हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं सीफियर्स राम भाई यूट्यूब चैनल से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये फ्लोटिंग क्रेन प्लस टग और एक बार्ज। ये जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये सामने जहाज़ दिख रहा है, उस जहाज़ में आके लोड होंगे और यहाँ से गुजरात जामनगर से लोड होकर जाएंगे साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये जहाज़ दिख रहा है, जहाज़ में पानी भर के अंडरग्राउंड किया हुआ है ताकि इसके अंदर आराम से लोड कर सके। क्यों, वैसे अगर इसमें पानी भर के अंडरग्राउंड नहीं करेंगे तो लोड नहीं हो पाएगा। लोड करने के लिए इसको क्रेन चाहिएगी, क्रेन के माध्यम से उठाने में बहुत खर्चा लगेगा, इसलिए यह आता है। तो इसमें पानी भर के लोड कर रहे हैं इसमें। तो ये देखो, एक फ्लोटिंग क्रेन ऑलरेडी लोड हो चुका है और ये टग दिख रहा है सामने। ये टग भी जाएगा और ये टग अभी लॉन्ग साइड कर रहा है। देखो लॉन्ग साइड हो रहा है, देखो अच्छे से। और ये टग जो जा रहा है, ये टग भी जाएगा साथ में और एक फ्लोटिंग क्रेन और जाएगी। दो फ्लोटिंग क्रेन जाएगी प्लस ओपन फलके का एक बार्ज वो जाएगा। यह जा रहा है श्रीजी शिपिंग कंपनी के, जो गुजरात की नंबर वन कंपनी है, बार्जोज के मामले में नंबर वन कंपनी मानी जा रही है और सबसे बड़ी कंपनी है गुजरात में बार्जो की, जो इसके पास कम से कम 200-250 के लगभग बार्ज है इसके खुद के पर्सनल। ये एक दूसरा ऑफर फ्लोटिंग करेन ये है। ये देखो सीरीज शिपिंग लोगो लग रहा है ऑलरेडी। ये भी उस जहाज़ में लोड होके जाएगा। और ये साउथ अफ्रीका पहुँचने में जहाज़ को बताया जा रहा है कम से कम 45 डेज लगेगा, 45 डेज लगेगा। जैसे ये लोड हो जाएगा, इसका पानी आउट कर देगा ना, जैसे अपना कार्गो वेसल आता है उसकी तरह बिल्कुल ऊपर हो जाएगा जहाज, अच्छे से पूरा दिखने लग जाएगा जहाज अपने को। और ये अब धीरे धीरे करके इसको टग के माध्यम से लेके आ रहे हैं। दो तीन टग लग रहे हैं इसको। देखो सामने पुलिंग फिशिंग करके लेके लॉन्ग साइड कर दिए हैं। दो फ्लोटिंग क्रेन लॉन्ग साइड हो गई है प्लस एक टग पीछे दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा जहाज के अकोमोडेशन के सामने है, वो एक छोटा टग है। और दो फ्लोटिंग क्रेन लोड हो चुकी है और ये सामने बार्ज दिखाने जा रहा हूँ। ये बार्ज भी इसमें जाएगा, ये बार्ज दिख रहा है, इसको भी अभी इसमें लॉन्ग साइड करेंगे। आगे टग टग के माध्यम से लेके जा रहे हैं इसको, टग बार्ज को भी। ये देखो लॉन्ग साइड हो चुके हैं सब, धीरे धीरे जहाज़ का पानी आउट कर रहे हैं और जहाज़ जैसे ऊपर हो जाएगा और सेलिंग कर देगा।